विद्यार्थी मित्रों धोरण 9 ना हिंदी में आज आप व्याकरण टॉपिक चले शब्द संरचना एना पार्ट टू में कृत प्रत्यय विषे बात करीशू। आना पहला मैं तमने उपसर्ग विषे बात करी थी, हवे आज आप कृत प्रत्यय विषे माहिती मेळवशुं। तो प्रत्यय एटले शुं ए आपणे बधा जाणीए छे। हिंदी में आप जोईए तो कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। जो प्रत्यय मतलब हम इसी तरह देखते हैं कि अगर कुछ ऐसे प्रत्यय है कि जो क्रिया धातु के मतलब जो क्रिया हो रही है उसके पीछे जुड़कर उसका नया शब्द का निर्माण करते हैं। मतलब हम देखते हैं कि भूल अक्कड़, जो भूल भूलने वाला है, अक्कड़ ऐसा उसके पीछे जो शब्द जुड़ा है तो वो क्रिया धातु बन जाती है। अब अक्कड़ जो प्रत्यय लगा है उसके बाद अब हम देखें कि खिलाड़ी और नाड़ी, तो इस तरह से आड़ी शब्द वो जो प्रत्यय पीछे शब्द लगा है तो उसको कृत प्रत्यय कहा जाता है। व्यक्ति क्रिया कर रहे हैं उसका हमको बोध मिलता है।
हमको बोध हो, कर्म कौन कर रहा है वो बोध हो कराने वाले, मतलब जो जिस प्रत्यय से कर्म का बोध कराने वाले का बोध हो, बराबर। तो उसी शब्द को कर्मवाचक क्रिया को कर्तृवाचक कहते हैं, कर्मवाचक कर्तु प्रत्यय। तो हम देखें कि यहाँ पर कर्म कैसे है, बिछोना, खिलोना, गाना, ओढ़ना, पीना, उठना, बेस, बराबर। यहाँ पर जो कर्म है वो कर्मवाचक कृत प्रत्यय की बात है। तो इसी तरह यहाँ पर अगर ओना ऐसा प्रत्यय लगने से बीच के पीछे होना, बीच होना, खेल के पीछे ओना, खेलना, खेलो, खिलोना, इसी तरह कर्मवाचक कृत प्रत्यय का ना लगे प्रत्यय तो गाना, ओढ़ना, पीना, इसी तरह नी लगे तो ओढ़नी, सुंघनी। यहाँ पर हमको कर्मवाचक कृत प्रत्यय का बोध मिलता है। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। करण कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय में हम देखें कि जो प्रत्यय क्रिया के कारण रूप क्रिया से साधन रूप बनता है, क्रिया के कारण, तो यहाँ पर प्रत्यय को करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। करणवाचक प्रत्यय कृत प्रत्यय के उदाहरण देखें तो आ प्रत्यय लगने से घेरा, झूला, इसी तरह ई प्रत्यय लगने से फांसी, बुहारी, रेती, रेत में ई प्रत्यय लगे तो रेती बन जाता है, राइट। उसके बाद ऊ प्रत्यय लगने से झाड़ का झाड़ू बन जाता है। न प्रत्यय लगने से बेलन, ढकन, झाड़न, इसी तरह करणवाचक कृत प्रत्यय में नी प्रत्यय लगने से कतर का कतरनी, सुंघ, सुंघनी, ओढ़, ओढ़नी, बराबर। बाद में है जो चौथा प्रकार है भाव, भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय मतलब जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है उन्हें कृत भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। मतलब जो प्रत्यय से भाव होता है, भाववाचक संज्ञाएं बनती है, उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। इसके हम उदाहरण देखें तो प्रत्यय आई लगाए तो उत्तराई, बुन में बुनाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई, जो भाव उठता है लड़ाई, बराबर। आवट प्रत्यय लगने से लिखावट, दिखावट, मिलावट, गिरावट, बुनावट, सजावट। आहट शब्द मतलब आहट प्रत्यय लगने से गड़गड़ाना, गड़गड़ाहट, चिल्लाहट, इसी तरह आव, बहाव, बचाव, झुकाव, इसी तरह आन प्रत्यय लगने से उड़, उड़ाना, थकाना, मिलाना। तो यहाँ पर ये सब हमको भाव प्रकट होने से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। तो यहाँ पर हम उस प्रत्यय को भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। और हमारा लास्ट प्रश्न है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से योग से क्रिया विशेषण अवयव अथवा विशेष प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है उसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जिन प्रत्यय से योग या क्रिया क्रिया होने का प्रमाण देता हो, क्रिया विशेषण, क्रिया अवयव मिलते हैं, उसको हम विशेष प्रकार से क्रिया विशेषण वाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ता प्रत्यय है उसको चलता, खाता, पीता, इस तरह से क्रियावाचक जो संज्ञा हमको क्रियावाचक विशेषण मिलते हैं तो उसे हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। या प्रत्यय लगने से खाया, रोया, दिखाया, सजाया, इस तरह से या प्रत्यय लगने से। और बाद में हम कर देखें तो सुनकर, पढ़कर, लिखकर, आकर, बराबर। उसके बाद है ते प्रत्यय लगने से चलते, सुनते, गाते, फिरते, सुनते,
कृत क्रियावाचक वाचक रूप विशेषण रूप प्रत्यय कहते हैं। बाद में हम यहाँ पर जो क्री प्रत्यय का दो प्रकार के कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये दोनों में से यहाँ पर हमने कृत प्रत्यय और उसके द्वारा जो मैंने समझाया व्याख्या और उसके प्रकार वो यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। अब दूसरा है तद्धित प्रत्यय, वो इनके बाद जो सेशन है उसमें हम समझेंगे। और अभी आपको जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वो खुली रख के ही पढ़ना है, क्योंकि इसके अलावा आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप बीच बीच में अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ते रहे और यहाँ पर जो वीडियो के द्वारा समझाया है वो समझते रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से यह सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है।